आज हमारी सवारी कहाँ को जा रही है? टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं EOD। अब आप लोग पूछेंगे कि ये EOD होता क्या है? जी, इसका फुल फॉर्म है एवरी अनदर डे। ये है एक एडवेंचर पार्क जो कि मयूर विहार दिल्ली में है, नियर संजय लेक। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं इस एडवेंचर पार्क में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की एरिया बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप यहाँ पर आराम से आओ, गाड़ी पार्क करो, टिकट अपने लिए परचेज करो और फिर इस एडवेंचर पार्क का मज़ा उठाओ। तो हम लोग बेसिकली आए हैं महरीन के लिए, ताकि उसका थोड़ा बहुत एडवेंचर हो जाए। घर में बंद रहते रहते बच्चे थोड़े से अनॉय हो जाते हैं और इस तरह की जगह बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी यहाँ बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एंट्री ले ली है और यहाँ पर बारी आ जाती है टिकट्स लेने की। तो टिकट्स भी यहाँ भी कॉम्बो में आते हैं। बच्चों के लिए अलग कॉम्बो रहता है, अडल्ट के लिए अलग कॉम्बो होता है, वीकडेज के लिए अलग रेट होता है और संडे का रेट अलग होता है। तो कॉम्बो की बात कर दी जाए तो बच्चों के लिए जो कॉम्बो है वो ₹300 का है। अडल्ट के लिए कॉम्बो जो मंडे टू फ्राइडे है वो कॉम्बो अवेलेबल है 300, 500 और 600 में, जो कि संडे में इसका रेट थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है 400 और 500 और 700 का कॉम्बो। तो यहाँ पर आप रेट देख लें, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे जूम करके देखें और अपना कॉम्बो यहाँ पर से चुन लें। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर क्या है वो भी आप यहाँ पर मेरे वीडियो को जूम करके और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी के लिए आपके वेट को ज़रूर मेज़र किया जाएगा कि आप कितने वेट के हो, तभी उस चीज़ पर आप एडवेंचर करने के लिए जा सकते हो। तो अपना वो चीज़ भी देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोगों ने अपने कॉम्बो को ले लिया है। कॉम्बो लेते ही आपको इस तरह का बैंड पहना दिया जाएगा और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इंटर करते ही हमें इस तरह का एक बोर्ड मिला जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए थे। पढ़कर बड़ा मज़ा आया कि चलो इतना सब कुछ हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं।
इतनी सारी वीडियो आप लोगों ने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के लिए काफ़ी मस्ती है यहाँ पर। और हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर मैगी खाई, फुचका खाया। फुचका मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पानी पूरी। फिर आगे बढ़े तो और भी हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे ये ढिंचक ढाबा, जहाँ पे आप बैठ के हर तरह की क्विजीन को इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि अभी ये सारे एडवेंचर्स यहाँ पे बचे हुए हैं, जो कि मैं दिखाऊंगी कि और क्या क्या बचे हुए हैं। Keep the sky on your mind.